हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है, ऑलमोस्ट हम लोग अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का फेज है वो खत्म करने वाले हैं। इसके बाद एक और क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, एंड उसके बाद हमारा हिस्ट्री हो जाएगा समाप्त। मतलब कि इस हफ्ते हम लोग हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। एंड वी आर रियली सॉरी कि कुछ दिनों से हम लोग क्लास को शेड्यूल नहीं कर पाए थे, ये एक्चुअल में 2 या 3 दिन थे। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, हम लोग थोड़ा सा मैनेज करना चाहते थे और चीज़ें आप लोगों के लिए बेटर तरीके से लेकर आना चाहते थे, इसीलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग गया। पर फिलहाल अभी हम लोग क्लास शुरू कर चुके हैं, वापस से आ चुके हैं। आपको कल ऑलरेडी एक एसे की क्लास मिल चुकी थी, आज फाइनली हमारी हिस्ट्री की क्लास। और नेक्स्ट जो क्लास होगी हिस्ट्री की, उसमें आपका हिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमारे सामने कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वो होंगे हमारे सामने इंडियन रेवोल्यूशनरीज और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। जी हाँ, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और उसके आसपास क्या क्या घटनाक्रम रहा था, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। और इंडियन रेवोल्यूशनरीज का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें थी जो उस समय पर हमारे सामने आई, समाज में किस तरह के बदलाव आ रहे थे, जिसकी वजह से अचानक से लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी विचारधारा पैदा हुई, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी तक हम लोग जो देख चुके हैं अध्याय, जितने अब तक पढ़ चुके हैं, जितने चैप्टर्स देख चुके हैं, उन सब में हम लोगों ने ऑलमोस्ट गांधीयन एरा तक की सारी चीज़ें देख ली हैं। अगर आप लोग गांधीयन एरा को समझ चुके हो अच्छे से, तो आप लोगों के लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आखिर क्या वो रीजन था कि इंडियन रेवोल्यूशनरीज वापस से इंडिया में इतना ज्यादा एग्रेसिवली काम करने लगे, क्यों इतनी ज्यादा तेजी से अचानक से क्रांति की भावना लोगों के अंदर जागी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंडियन रेवोल्यूशनरी। ऑलरेडी हम लोगों को पता है, ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स हो चुके थे, जिसमें से आप लोगों को अगर मैंने कई बार पढ़ाया भी है, बताया भी है, चापेकर ब्रदर्स के बारे में, सावरकर ब्रदर्स के बारे में, अनुशीलन समिति के बारे में, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर अगर हम लोग इंडिया के बाहर की बात करें तो गदर पार्टी, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में इंडिया में जो युवा थे उसको कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही थी भारत की सुंदरता में भाग लेने के लिए। और इसी चीज का इम्पैक्ट था कि उन्हीं से निकले हुए कुछ और जो लोग थे, वो लोग क्या करते, और कई लोगों को, और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, देश के अलग अलग वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहला जो एक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, वो होता है यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट एचआरए का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब एचआरए का एस्टेब्लिशमेंट अगर आप लोग ईयर देखोगे तो ये हो रहा है 1923 में। 1923 से पहले का जो घटनाक्रम था उसमें हम लोगों को पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, गांधी जी का यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एक्चुअली फेल नहीं, वो सक्सेसफुल था अपनी तरफ से, पूरी तरह से देखा जाए सक्सेसफुल था। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने, जब आपको पता है चोरी चोरी जो कांड हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने डिसीजन से इस चीज को वापस ले लिया कि नहीं यार, हम अभी इस मूवमेंट को चलाने की कंडीशन में नहीं है, भारतीय लोग अभी मेरे अहिंसावादी जो विचार है उसको समझने के अभी काबिल नहीं हो पाए हैं, वो अभी भी उस अहिंसा के विचार को अपने जीवन में उतार नहीं पाए हैं, इसीलिए शायद इस तरह की घटना हो गई। और इस विचार की वजह से गांधी जी ने क्या कर लिया, यहां से फाइनली इस मूवमेंट को वापस ले लिया। अब जैसे ही वो वापस लेते हैं तो आपको पता होगा स्वराज पार्टी बनाई थी सीआर दास जी के द्वारा। सीआर दास के ने जो स्वराज पार्टी बनाई वो भी काफी रैपिडली ग्रो कर रही थी, काफी अच्छा काम कर रही थी 1925 में, उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें थी उस समय पर। अब यहाँ पर इसी के साथ साथ एक और वर्ग सामने आता है, और वो वर्ग था क्रांतिकारियों का। एक्चुअल में ये वो युवा छात्र और छात्राएं थी, ये वो लोग थे जो एक्चुअल में असहयोग आंदोलन में गांधी जी को सपोर्ट में पूरी तरह से उतरे हुए थे। बट जब गांधी जी ने ये आंदोलन वापस लिया, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो स्कूल कॉलेजेस छोड़ के, नौकरियां छोड़कर ही सिर्फ देश की सुंदरता के लिए शामिल हुए थे, अब ऐसे में उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि अब हमको लीड कौन करे। और पूरे देश व्यापी ये आंदोलन था, पूरे देश में फैला हुआ था कोने कोने में, और इतने बड़े स्तर पर जब अचानक से एक अव्यवस्था फैल गई, तो ऐसे में जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं एक रास्ता जो दिखाई दिया वो क्रांति का दिखाई दिया। तो ऐसे में जन्म होता है हमारा क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। ये मेन जो इसके लीडिंग पर्सन थे वो लाला हरदयाल थे, जो इसको एक्चुअल में लीड कर रहे थे। लाला हरदयाल का नाम ऑलरेडी मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मुझे नहीं लगता इसको बार बार बताना पड़ेगा। मेन जो पर्सन लाला हरदयाल, एंड इनके अलावा यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, रोशन सिंह लहरी का नाम आता है, सचिन नाथ सान्याल का नाम आता है, जोगेश चटर्जी का नाम आता है, ये वो मेन पर्सन थे जो एक्चुअल में इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे। आगे चलकर हमको इसी ऑर्गेनाइजेशन में भगत सिंह का नाम सुनने को मिलेगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनने को मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद के लिए आप लोग वर्ड यूज करते हो कई बार बहरूपिया, तो बहरूपिया जो वर्ड यूज करते हैं वो एक्चुअल में बहरूपिया कहा जाता है सचिन नाथ सान्याल को, ठीक है। एंड चंद्रशेखर आजाद एक्चुअल में वहां से सीख कर आते हैं, ठीक है। सचिन नाथ सान्याल एक तरह से देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के गुरु थे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सचिन नाथ सान्याल उस समय तक अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ही वॉज द पर्सन जो उस समय गदर पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे,
ठीक। तो नो डाउट अब आपको पता चल रहा है कि देखो कितने दूर दूर तक लिंक फैले हुए हैं, ठीक, किस तरीके से एक दूसरे को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फाइनली ये ऑर्गेनाइजेशन काफी रैपिडली ग्रो करती है। आगरा, कानपुर, बनारस, लखनऊ, शाहजहांपुर, सहारनपुर, इन सभी एरियाज में ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने ग्रुप्स मतलब डिप्लॉयड करते हैं, वहां पर उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, वहां से लोगों के अंदर विचार, एक देशभक्ति का विचार पैदा करने की कोशिश करते हैं। इवन बॉम्ब मेकिंग प्लांट भी ये लोग तैयार करते हैं देवगढ़ और कलकत्ता में। अब ये जो बॉम्ब मेकिंग प्लांट है ना, यही वो वाला आपको इंसिडेंट याद आ जाएगा, भगत सिंह वाला, वो एक्चुअल में यहीं से शुरू होता है। तो शुरुआत एक्चुअल में जो HSRA था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, HRA से हुई थी, बाद में उसको सोशलिस्ट वर्ड उसमें ऐड कर दिया गया था। तो फाइनली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हिंदी के लिए हिंदी में मैंने ऑलरेडी दे रखा है, और वैसे भी मैं बायलैंग्वली समझा रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं कि हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत होगी। फाइनली सचिन नाथ सान्याल के द्वारा ही यहाँ पे रेवोल्यूशनरी नामक एक पत्र जारी किया गया था, जो एक्चुअल में इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, एक तरह से बोला जाए मैनिफेस्टो या फिर बोला जाए कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें ये अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं कि आखिर हमारी क्रांति क्या है। जो बम से क्रांति वाला कई बार आप लोगों ने सिद्धांत सुना होगा, कई बार बात सुनते हैं हम लोग, ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा कई बार मतभेद रहते थे इनके साथ, वो उनके अगेंस्ट बोलते थे, तो क्रांतिकारियों के द्वारा भी यहाँ पर क्या उनको आंसर दिया जाता था। तो एक्चुअल में ये आंसर ऐसे ही लोगों के लिए था, उन लोगों के लिए था जो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों को एक आतंक की मतलब फेस के रूप में देख रहे थे, या उनके रूप में देख रहे थे, उग्रवादियों के रूप में देख रहे थे। तो उसी चीज को यहाँ पे क्रांतिकारियों ने सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए क्या किया, अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसमें का नाम उन्होंने क्या रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी रखा था। ये चीज आप लोग याद रखना, ये घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैनिफेस्टो कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा सचिन नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फाइनली आखिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, देखो कहीं ना एक चीज इंडियंस के अंदर ये भी आ रही थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे रशिया और जापान की लड़ाई हुई थी, रशिया और जापान की जब लड़ाई हुई तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जापान ने रशिया को हरा दिया, छोटा सा देश, जरा सा छोटा सा पिद्दी सा देश, उसने रशिया को हरा दिया। और इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही थी, ठीक है। फिर वैसे ही रशिया में ऑलरेडी क्रांति हुई थी, आपको पता ही है, उनका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था। इस तरह की जो छोटे छोटे वर्ल्ड वाइड जो भी इंपैक्ट पड़ रहा था, जो भी चीजें वर्ल्ड वाइड हो रही थी, उनका धीरे धीरे असर क्या इंडियंस के ऊपर भी पड़ रहा था। और उसी का इंपैक्ट पड़ता है कि यहां पर क्या किया जाता है, इंडियन रेवोल्यूशनरीज के द्वारा पूरी तरह से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की बात की जाती है, कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा यहीं से मिलती है। फाइनली आगे चलकर यहाँ पे कुछ नए युवा शामिल होते हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग शामिल होते हैं। आगे चलकर इसमें राजगुरु भी शामिल होंगे। फिर HSRA जो स्टेब्लिश हुए, इसमें जो मुख्य पर्सन बन गए, अब वो कौन बन गए, रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह, एंड सो ऑन, जो और भी बाकी लोग थे वो भी इसमें शामिल होते हैं। ये जो नाम है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो शुरुआती नाम है, इसमें अगर चंद्रशेखर आजाद का नाम आप छोड़ दो तो ये सारे के सारे नाम एक्चुअल में आपको काकोरी कांड में सुनने को मिलेंगे। काकोरी कांड जो लखनऊ और कानपुर के बीच में एक रेलवे स्टेशन था, उस काकोरी कांड में एक क्या रॉबरी की गई थी, जहां पे 8,000 रुपए लूटे गए थे। कितने लूटे गए थे, 8,000 रुपीज लूटे गए थे। ये 8,000 रुपए उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी वैल्यू थी। जब ये लूटपाट की गई तो उसके बाद क्या किया गया, इंडियन रेवोल्यूशनरीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने शुरू किए गए। इन एक्शंस में कई सारे लोगों को फांसी की सजा हुई, जिनमें से आपको जो मैंने नाम बताए हैं यहाँ पर, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह थे। ये चार लोग थे जिनको फांसी की सजा हुई। चंद्रशेखर आजाद कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, जिसकी वजह से वो आजाद रहे, ठीक है, और मरते दम तक वो अपने आजाद ही रहे, ठीक है। खैर उनके बारे में भी बात करेंगे। तो फाइनली ये के कांड हुआ था, काकोरी कांड, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रेन लूट हुई थी जो कि सहारनपुर से लखनऊ वापस जा रही थी ट्रेन, एक डाउन ट्रेन जिसका नाम था, उसको यहाँ पर क्या किया गया था, लूटा गया था। फाइनली ट्रायल्स होते हैं, अरेस्ट होते हैं, उन सब में आपको मैंने बताई दिया, अशफाक उल्ला खान, इनको क्या फांसी दे दी जाती है, डेथ पेनल्टी दी जाती है। इसी के साथ यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद और डाउन द विद इंपेरिज्म, ये जो डायलॉग थे, ये जो मोटो था, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में फैलना शुरू हो गया। इसी समय पर ऐसा कहा जाता है, कई बार लोग बोलते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा कहा गया या भगत सिंह के द्वारा कहा गया, तो ऐसा कुछ डिसाइड कहीं पर भी क्लियर नहीं मिलता, ठीक। बट इनकलाब जिंदाबाद काफी ज्यादा क्या लोगों के बीच में उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, ठीक है। डाउन इंपेरिज्म भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ कि ये जो अंग्रेजी शासन है इसे उखाड़ फेंको, इसे हटाओ यहाँ से, एंड अपनी आजादी के लिए कहीं ना कहीं लोगों ने क्या इस तरीके के जो थॉट थे। इसी के साथ साथ एक वर्ड आप लोगों ने और सुना होगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम प्रेरित हुआ था कब, जब आप लोगों को बंगाल डिवीजन देखने को मिलता है। तो देखो
जो भी बड़ा इवेंट होता है ना उसके साथ कोई ना कोई यहाँ पे डायलॉग जरूर जुड़ जाता है। इंडियन रेवोल्यूशनरीज के साथ कौन सा डायलॉग जुड़ा है? यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद का, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक, फिर आता है यहाँ पे साइमन कमीशन। अब बीच बीच में कुछ और इवेंट्स भी होंगे, आप कहोगे सर एचआरए तो हो गया, एचएसआरए कहाँ गया? तो एचएसआरए भी आएगा, बट उससे पहले साइमन कमीशन देखते हैं, क्योंकि एचएसआरए की जो मेन इवेंट है, मेन जो उनके द्वारा किए गए काम थे, वो एक्चुअल में साइमन कमीशन के बाद ही थे। तो होता ये कि इंग्लैंड में होते हैं इलेक्शन, इंग्लैंड में इलेक्शंस के बाद फाइनली वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक डिमांड होती है, इंडियंस की डिमांड्स को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पे चर्चा चल रही थी। इन सबको देखते हुए ऑलरेडी यहाँ पर मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच में जो मतभेद थे उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मजबूर होते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो फॉर्मेशन है उसको थोड़ा रिवाइव करते हैं, चेंज करते हैं। और इस चेंज के लिए उन्होंने क्या किया, एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम था सर साइमन। ये जो पर्सन आप इमेज देख रहे हैं ये कौन है? सर साइमन है। इस पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया और बोला गया कि आप इंडिया जाइए, इंडिया का सर्वे कीजिए अच्छे से, वहाँ पे स्टडी कीजिए और हमको एक प्रॉपर रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि इंडिया में किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाने चाहिए। इस तरह का यहाँ पे काम शुरू किया गया। पर अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या थी, यहाँ पर किसी भी भारतीय को क्या किया गया, शामिल नहीं किया गया। देखो वही वाली बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, है ना? तो इलेक्शंस का यहाँ पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो फाइनली यहाँ पर क्या, 7 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है। इन ग्रुप में एक्चुअल में तो भारतीयों को भी रखना चाहिए था, पर इसमें भारतीयों को क्या शामिल नहीं किया गया। अब शामिल ना करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं भारतीयों के बीच में एक मतलब कहीं ना कहीं ये चीज आने लग शुरू हो जाती है, आप हमारे देश के लिए हमारे लिए ही कानून बना रहे हो और उसमें आप हमको ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, किस तरह का मतलब कानून है। तो ये जो मतभेद यहाँ से क्या होता है, शुरू हो जाता है। अब इसकी जो शुरुआत होती है ये इतना रैपिडली ग्रो करता चला जाता है कि साइमन कमीशन के अगेंस्ट में पूरे देश में मैसिवली प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने जो पीछे इमेज देखी गो साइमन सर, गो साइमन जो चल रहा था, गो साइमन का इमेज ही वहीं से शुरू होती है। बॉम्बे से शुरू होता है, लाहौर तक ये जाता है, लाहौर में फिर लाला हरदयाल वाला इंसिडेंट होता है। अब जरा उसके बारे में बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो लगातार इंडिया में कई जगह पर इस कमीशन के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा रैपिडली प्रोटेस्ट ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, इंडियंस इसमें शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके विरोध की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा क्या, एक मतभेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज बोली जाती है कि इंडियंस अभी अपना खुद का संविधान बनाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इंडियंस के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाती है कि आखिर यार ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, पर मुस्लिम लीग यहाँ पे प्रॉपरली पार्टिसिपेट अभी भी नहीं कर रही थी। मैं पहले बता देता हूँ, मुस्लिम लीग यहाँ पे अभी भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं करती। फाइनली 3 फरवरी का दिन आता है 1928, जब ये कमीशन जो था ये बॉम्बे पहुंचता है। जब ये बॉम्बे पहुंचता है वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जाता है। फाइनली 16 फरवरी को ये लोग कहाँ पहुंचते हैं, ये लोग पहुंचते हैं लाहौर में, जहां पर लाला लाजपत राय के द्वारा क्या बहुत ज्यादा विरोध किया जाता है। इसी विरोध के बीच में यहाँ पर क्या, लगातार जो बायकॉट कमीशन चल रहा था उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। और इम्पैक्ट क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के अगेंस्ट एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं, उनको जेल में डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, गिरफ्तारियां यहाँ पे बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी। इसके अलावा जगह जगह लाठी चार्ज हमको देखने को मिलता है, जिसका एक हमारे सामने रिजल्ट लाल लाजपत राय की डेथ भी आती है। फाइनली यहाँ पे कांग्रेस क्या मद्रास अधिवेशन करती है, और उस मद्रास अधिवेशन में डिसाइड करती है कि हम लोग इस कमीशन को क्या कर देंगे, कंप्लीटली बाइकआउट करेंगे। तो लाहौर में जब ये 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन पहुंचता है तो वहां पे लाल लाजपत राय की अध्यक्षता में प्रोटेस्ट होता है, और इस प्रोटेस्ट में फाइनली लाल लाजपत राय थे वो घायल हो जाते हैं। एंड कुछ दिनों के बाद फाइनली इनकी डेथ हो जाती है 17 नवंबर को। जैसे ही ये डेथ होती है इसके बाद जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा लाला हरदयाल से जुड़े हुए थे, वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं इसकी वजह से कि उनकी जो डेथ का एक तरह से बोला गया रिवेंज जो था, बदला था, वो लेने का डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे भगत सिंह और उनके जो साथी थे राजगुरु और सुखदेव, इसमें वैसे तो और भी लोग शामिल थे, ठीक है, जैसे श्याम सिंह ठाकुर शामिल थे, ठीक है, जिन्होंने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को वहां से बाहर निकालने का काम किया था। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे। श्याम सिंह ठाकुर की तो डेथ बहुत मतलब ब्रूटली हुई थी, कि उन्होंने उनको एक्चुअल में कारावास में डाला गया था, कहाँ पर, काला पानी में। और काला पानी में भी उन्होंने अपने मतलब वही भगत सिंह से प्रेरित थे, तो उन्होंने बोला भाई हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, हमें यहाँ पर आम आदमी मतलब एक बोला जाता है जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कुछ राइट्स होते हैं, उस तरह के राइट्स भी नहीं है, यहाँ पे जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है हमारे साथ, तो हम लोग इसके अगेंस्ट एक्शंस लेंगे। उन्होंने वहाँ पे खाना पीना बंद कर दिया था। देन उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जबरदस्ती जब अंग्रेज उनको खाना खिलाते हैं तो उनकी जो सांस की नली होती है उसमें कुछ लिक्विड फंस जाता है,
ठीक है, दूध या पानी जो भी उनको पिलाने की कोशिश की गई उसकी वजह से वो क्या सांस की नली में जाकर फंस जाता है। तो वो सांस की नली में फंस गया जबरदस्ती खिलाने की वजह से, जिसकी वजह से उनकी सांस रुक जाती है एंड उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत मतलब दिल छूने वाली उनकी स्टोरी है। बाद में उनकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंक दिया गया, आज तक कभी उनकी मतलब डेड बॉडी मिली नहीं। आज के टाइम पर अगर आप कभी जाओगे अंडमान निकोबार तो आपको वहां पर मतलब जो भगत सिंह के तीन साथी थे, मेन साथी साथी जिनमें एक श्याम सिंह ठाकुर भी थे, वो भी उनकी भी आपको वहां पे इमेज दिखेगी, आपको लिखा हुआ मिलेगा उनके बारे में इंफॉर्मेशन। खैर आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके द्वारा सांडर्स की हत्या कर दी जाती है, जो कि एक्चुअल में लाला लाजपत राय की हत्या में कल्प्रिट था, मुख्य दोषी था, जो कि एक्चुअल में उनकी हत्या का रिस्पॉन्सिबल माना गया। फाइनली जब इसकी हत्या करते हैं, गोलीकांड होता है यहाँ पर, इस गोली में इनको सांडर्स को मार दिया जाता है। मारने के बाद ये लोग क्या लाहौर से निकलते हैं एंड देश के कई विभिन्न विभिन्न भागों में अपनी छुप जाते हैं। भगत सिंह इसके बाद क्या अपनी पगड़ी का यहाँ पर त्याग देते हैं और कैप पहनना शुरू कर देते हैं, जो आपके टाइम पर आपको सबसे ज्यादा वायरल जो आपको इमेज दिखती है भगत सिंह की, वो एक्चुअल में यही है। फाइनली लाला हरदयाल जी के सामने भी मतलब उनके बारे में भी जरा जान लेते हैं, ये एक बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिली। तो लाला हरदयाल जी, लाल लाजपत राय, सॉरी हरदयाल बोल रहा हूँ मैं, लाजपत राय जी, तो 1865 में इनका जन्म होता है और 17 नवंबर 1928 तक ये जीवित रहते हैं। पंजाब केसरी के नाम से इनको एक उपाधि भी दी गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, इनकी आपको पता है, इनकी तिकड़ी को लाल बाल पाल के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे उस समय पर। सबसे ज्यादा इनका जो नाम हमको सुनने को मिलता है, आपको पता ही, साइमन कमीशन जो बायकॉट कमीशन हुआ था उसमें, और उससे पहले हमको सुनने को मिलता है जब हम लोगों ने बंगाल डिवीजन देखा था, उस टाइम पर इनका नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। फिर इन्हीं के द्वारा क्या, ये ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, शेरे पंजाब इनको टाइटल दिया गया था। ठीक है, आज के टाइम पर आप लोग जो मतलब एक तरह से बोला जाए कि एक सोशल इम्प्रूवमेंट का भी जो इन्होंने एक्चुअल में काम बहुत ज्यादा शुरू किया था, इन्होंने इंडियंस एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, अनटचेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, हिंदू रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत ज्यादा सारे काम किए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए लाजपत राय के बारे में। अब जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है तो साइमन कमीशन का इतना विरोध होता है, उस विरोध के बाद फाइनली यहाँ पर क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट आती है। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट आती है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पे एक तरह का चैलेंज दे दिया अंग्रेजों ने कि भैया अगर आप में इतना हिम्मत है, आप में इतना दम है, तो ठीक है बना लो, आप लोग संविधान बना सकते हो। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके फादर मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, उनको कर्ता धर्ता बनाया था और उनसे कहा जाता प्लीज आप यहाँ पे क्या कीजिए, भारत के लिए एक संविधान बनाइए। तो ये उस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी एक तरह से बोला जाए उसको लीड करते हैं और इसमें बहुत सारे क्या लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें लोग कौन कौन से हैं इस समिति में, तेज बहादुर सुप्रा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट वकीलों में से एक, सुभाष बोस थे यहाँ पर, ठीक है, एम एन अली थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, ठीक है, शोएब कुरैशी थे, जी आर प्रधान थे, ये सारे इंपॉर्टेंट लोग थे जो इसमें क्या होते हैं, इनके साथ साथ देते हैं। और फाइनली ये लोग 28 अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसको एक्चुअल में नाम नेहरू रिपोर्ट दिया गया। एक तरह से कहा जाए उस समय मोतीलाल नेहरू ने भारतीयों के लिए उनका अपना खुद का संविधान लिखा था एक तरह से। फाइनली अब होता क्या है कि यहाँ पर थोड़े से डिस्प्यूट होते हैं। डिस्प्यूट क्या होते हैं, यहाँ पर है हमारे जिन्ना जी, जिन्ना जी इसका विरोध करते हैं। जिन्ना जी बोलते हैं नहीं यार, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ठीक है, सारी चीजें अच्छी हैं, बट मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिन्ना जी यहाँ पे अपना 14 सूत्री प्रोग्राम लेकर आता है, 14 पॉइंट लेकर आते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग तब इस संविधान को मानेंगे या तब इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे जब इसमें ये 14 जो बातें होंगी ये डाली जाएंगी, इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। उन 14 डिमांड्स को हम लोग फिर कभी किसी अलग वीडियोज में कभी डिस्कशन करेंगे, फिलहाल हमारे लिए उतना वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने क्या यहाँ पे 14 सूत्री प्रोग्राम अपना लेकर आए थे, 14 पॉइंट्स लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से क्या डिमांड्स की थी, अलग से सीटों की डिमांड की थी, अलग से उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र मांगे थे, सरकारी सेवाओं में उन्होंने मुसलमानों के अलग से ले क्या मांगी, सीटों के अलॉटमेंट की बात की थी। तो ये सारी चीजें की गई, मतलब एक तरह से बोला जाए वो एक कम्युनल डिवीजन एक तरह से, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज तक में उन्होंने कम्युनल डिवीजन की बात की थी, एक तरह से बोला जाए रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात की थी मुस्लिम लोगों के लिए।
फाइनली अब यहाँ पे हमको सुनने को मिलता है एचएसआरए। अब एचएसआरए का यहाँ पे उदय होता है, एचएसआरए का उदय होता है 1928 में। भगत सिंह इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे, भगत सिंह और साथ में चंद्रशेखर आजाद, ये दो मेन पर्सन थे जो इसके क्या थे, मुख्य कर्ता धर्ता थे। इनके जो डायलॉग थे, जो मोइन स्लोगन थे, वो अभी भी वही थे, इनकलाब जिंदाबाद एंड डाउन विद इंपीरियलिज्म। इसी भावना के साथ ये लोग क्या अभी भी चलते चले आ रहे थे। इनके द्वारा यहाँ पर मैंने आपको बताई दिया कि सैंडर्स की हत्या की जाती है। सैंडर्स की हत्या के बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट होता है वो क्या कि ये लोग कोशिश करते हैं वाइसराय ऑफ इंडिया को भी, जो लॉर्ड इरविन था उसके ऊपर भी अटैक करने की, पर फाइनली ये सक्सेसफुल नहीं होता। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक बॉम्ब कांड होता है। अब ये बॉम्ब कांड क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने पहले मैं इमेज दिखा देता हूँ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की, जिनको फांसी दी गई थी 23। अब वो उसके बारे वहां तक पहुंचने से पहले जरा बॉम्ब कांड समझ लेते हैं हुआ क्या था। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव दिल्ली में, जो पुराने वाला हमारा पार्लियामेंट था आपको पता होगा, जिसको अभी हम लोगों ने फिलहाल एज म्यूजियम बना दिया और नए पार्लियामेंट को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो पुराना वाला जो हमारा पार्लियामेंट है उसी में ये बॉम्ब कांड हुआ था। तो उसके सेंट्रल एरिया में क्या भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दो लोगों के द्वारा यहाँ पर बॉम्ब फेंका गया था। ये बॉम्ब ऐसा था जिससे किसी को नुकसान ना हो, सिर्फ एक आवाज हो और धुआं हो, और इन्होंने वहां पर क्या लोगों के सामने पर्चे बांटे थे। तो ये हुआ क्यों था, ये एक्चुअल में हुआ था दो बिल्स के विरोध में। कौन कौन से, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो थे, ये एक्चुअल में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल बिल्कुल वैसे थे जैसे कि अभी से ठीक 10 साल पहले, मतलब कि 1919 में जो रोल एक्ट आया था उसके समान थे। काफी हद तक भारतीयों से उनके अधिकार छीने जा रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी, जिसका विरोध यहाँ पर क्या भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा किया गया कि वापस से कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके विरोध में इन्होंने क्या यहाँ पर बॉम्ब फेंके थे। फाइनली इनको, भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको भी तेजी से पकड़ने की कोशिश की जाती है। काफी सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे वो पकड़ में आ जाते हैं, पर चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद थे। वो ओरछा के जंगलों में उस समय पर छुपे हुए थे जहां तक अंग्रेज नहीं पहुंच पाते। फाइनली भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन लोगों को जेपी सैंडर्स जो था उसकी हत्या के वजह से यहाँ पे क्या फांसी दे दी जाती है। और इस फांसी की जो डेट थी वो मैंने आपको अभी पीछे दिखाई, 23 मार्च, ठीक है। ये फाइनली आपके सामने आ गई इंफॉर्मेशन, 23 मार्च 1931, भगत सिंह, ठीक है, शिवराम, राजगुरु एंड सुखदेव, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाल लाजपत राय की हत्या का इन्होंने बदला लिया था, ठीक है। यहाँ पे डेट का थोड़ा सा डिस्प्यूट है, दिसंबर लिखा है, ये नवंबर आएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। और इनकी एज देखो, जिस एज ग्रुप में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस एज ग्रुप में हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमको क्या करियर ऑप्शन चुनना है, हम जिस एज ग्रुप में हमको पता ही नहीं है कि हमको आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक, जिस एज ग्रुप में हम लोगों को होश ही नहीं है, हम लोग डिपेंड है कंप्लीटली फैमिली के ऊपर, उस एज ग्रुप में ये जो नौजवान थे, ठीक है, 24 और 23 साल के, ये उस समय देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, बलिदान कर चुके थे अपना सब कुछ, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, ठीक। फाइनली यहाँ पर एक और रेवोल्यूशनरी है इनके लिए, मतलब वैसे तो बहुत सारे देखो रेवोल्यूशनरी एक्शन हुए हैं, अब सारे के सारे यहाँ पे उठा पाना एक बारी में बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे इंडियन रेवोल्यूशनरीज को टारगेट करते हुए, जहाँ पे हम लोग सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, पर फिलहाल जो शॉर्ट में हम लोग बात कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये लगातार इंसिडेंट हो रहे थे इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 1930 में होता है चटगांव आर्म रेड, मतलब कि हथियारों की लूट। चटगांव कहाँ पर है, आज के टाइम पर का जो बांग्लादेश है वहां पर, तो चटगांव आज के टाइम के बांग्लादेश में, वहां पे सूर्य सेन एक बंगाली टीचर थे, प्रोफेसर थे, जो बच्चों को पढ़ाते थे। इनके द्वारा अपने स्टूडेंट्स को क्या प्रेरित किया जाता है कि हमको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों के विरुद्ध एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, अंग्रेज कभी भी हमें अहिंसावादी विचारों के साथ तो नहीं छोड़ेंगे हमारा देश, हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने पड़ेंगे। तो सूर्य सेन जो थे इनके द्वारा अपने स्टूडेंट्स को क्या प्रेरित किया जाता है, और यहाँ पे 14 से लेकर 18, 19, 20 साल के जो स्टूडेंट थे वो सब के सब इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल होते हैं। आप ये जो इमेज देख रहे हो मेरे पीछे, ये जो इमेज है ये एक्चुअल में वो इमेज है जिसमें उन छात्रों को जब पकड़ा गया तो उसके बाद इनको इस तरीके से लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई थी। 65 स्टूडेंट्स को एक साथ खड़े करके गोली मार दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। सोचो कितना बड़ा, मतलब नरसंहार के जैसा स्थिति है ये।
ठीक है, जो मास्टर साहब थे सूर्य सेन, इनको मास्टर साहब कहा जाता था, इनको भी फाइनली यहाँ पे फांसी दे दी जाती है। और इनके द्वारा सीरियसली आप विश्वास नहीं मानोगे, कुछ दिनों के लिए तो चटगांव को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, पूरे के पूरे चटगांव को इन्होंने कट ऑफ कर दिया था, अंग्रेजों के क्षेत्रों से बाहर निकले, एक तरह से निकाल के ले आए थे, पूरी तरह से अपना शासन उन्होंने स्थापित कर दिया एक तरह से बोला जाए तो। परंतु वही हथियारों की कमी थी, और कमी की वजह से फाइनली धीरे धीरे ये लोग हार जाते हैं और अंग्रेज वापस से चटगांव को पूरी तरह से अपने हाथ में कैप्चर कर लेते हैं। एंड इन सभी को यहाँ पे क्या फांसी दे दी जाती है और गोली मार दी जाती है। तो अभी चेन ऑफ इवेंट्स आप लोग समझ लो यहाँ पे क्या है। देखो साइमन कमीशन आया है, साइमन कमीशन के बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है इसके विरोध में, फिर उसके बाद जब साइमन कमीशन का विरोध होता है तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट के बाद यहाँ पर फाइनली जिन्ना अपनी 14 सूत्री पॉइंट लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइनली होती है क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होंगी, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, आज के टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअल में इसी के ऊपर डिपेंड है। ऑलमोस्ट मोर देन 200 जो आर्टिकल्स आज के टाइम पर हम लोग देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहीं से लिए गए हैं, ठीक। फिर आगे चलकर ये जो, क्योंकि मैं आपको ये जो पॉइंट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े थे, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े थे। तो आपको ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाला पॉइंट हम लोग बात तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, परंतु इसके बीच में जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उन सबको हम लोग आज की क्लास में ही डिस्कशन कर लेंगे पूरी तरह से। फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आती है, साइमन कमीशन का विरोध के बाद साइमन की कमीशन की जो रिपोर्ट की जितनी भी डिटेल थी उन सबको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, और उस रिपोर्ट का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी। फाइनली यहाँ पर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू होती हैं तो उस समय पर कांग्रेस कर रही थी अपना क्या, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन एक्चुअल में ऑलरेडी क्रांतिकारियों के द्वारा लोगों के विचारों में, लोगों के मन में कहीं ना कहीं पूर्ण स्वतंत्रता का विचार डाल दिया गया था। उस पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को कांग्रेस ने फाइनली 1929 में लाहौर सेशन के टाइम पर एक्सेप्ट किया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे उस समय पर, लीड कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पूर्ण स्वराज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, झंडा फहराया जाता है, रावी नदी के किनारे मतलब वंदे मातरम गाया जाता है, और यहाँ पर 26 जनवरी वो दिन डिसाइड किया जाता है जिस दिन ये होता है कि हम लोग ये हर साल इस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, उस समय पर ये डिसाइड किया जाता है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इसको क्या अपना एक तरह से बोला रिपब्लिक डे बना दिया, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने पूरे के पूरे संविधान को अपने क्या किया था, पूरे देश में इंप्लीमेंट करवाया था, लागू करवाया था, ठीक। तो ये जो डे है, ये जो दिन है लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके के साथ यहाँ पर क्या एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड पहली बार कांग्रेस के द्वारा शुरू की जाती है। यहाँ पे फाइनली लेबर पार्टी प्रपोज करती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारत के जितने भी जो लीडर्स थे, जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टीज थी, उन सबको कहा जाता है कि आप लोग भी आइए और इसमें क्या हो जाइए, शामिल होइए, डिमांड रखिए अपनी, क्या डिमांड्स हैं आपकी उन सबको सामने रखिए। बट इस बीच में लाहौर सेशन के वजह से, लाहौर सेशन में ही कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर क्या गांधी जी के द्वारा कुछ विचार रखे जाते हैं अंग्रेजों के सामने कि हमारे ये सुधार हैं, अगर आप इनको एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर हम क्या करेंगे, आपके अगेंस्ट में वापस से आंदोलन करना शुरू कर देंगे। और गांधी जी यहाँ पर करते हैं अपना कौन सा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, कौन सा शुरू करते हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू करते हैं। और इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को पुश करने का जो काम था वो एक्चुअल में करता है नमक सत्याग्रह, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह कहते हैं एक तरह से बोला जाए तो। ये सिविल डिसोबीडियंट का एक तरह से ट्रिगर पॉइंट था, ठीक। यहां से इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च, जिसको हम लोग कहते हैं साबरमती से शुरू किया गया था दांडी नामक एक विलेज की तरफ जाने के लिए। और जब साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया जाता है डांडी विलेज के लिए, और ये लोग पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, जहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या नमक कानून को तोड़ा गया, नमक बनाया गया, और लोगों को ये बोला गया कि आप लोग खुद अपने नमक बनाइए, क्योंकि एक्चुअल में अंग्रेज उस समय पर एक नमक कानून लेकर आए थे, और उस कानून के अकॉर्डिंग कोई भी भारतीय मर्चेंट, कोई भी भारतीय व्यापारी नमक की फैक्ट्री नहीं लगा सकता था, कोई भी जो भारतीय व्यापारी है वो नमक बेच नहीं सकता था, भारतीय नमक नहीं बेचेगा, वही नमक बेचेगा जो हम दे रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं भारतीयों को अपने ऊपर डिपेंड कर रखा था पूरी तरह से। अब हमारे लिए ऑलरेडी इतनी गरीबी थी, ऑलरेडी इतनी सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं में आप लोगों ने इंसानों के हाथ से रोटी के साथ साथ उसके नमक भी छीन लिया, तो मतलब एक बेसिक नीड है नमक,
आज के टाइम पर भी अगर जरा सी अफवाह उड़ जाती है ना नमक महंगा होने की, तो आप देखो क्या हाहाकार मचता आपके शहरों में। तो सेम बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी था। तो फाइनली यहां पर गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा जाता है। इसके बाद बहुत सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के उनको गिरफ्तार किया जाता है। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी को लीड कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मालाबार में के कल्पन इसको लीड कर रहे थे, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी लीड कर रहे थे, बिहार में चौकीदारी एक टैक्स था उसको यहाँ पर इम्पोज किया गया था लोगों के साथ मिलकर, ठीक है। पेशावर में अगर देखा जाए तो खान अब्दुल गफार खान, जिनको हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं, उनके द्वारा इसको लीड किया गया था। और इस टाइम पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट मूवमेंट। ये एक्चुअल में रेड शर्ट मूवमेंट, व्हाइट शर्ट मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट एक्चुअल में जो आए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर वाले, ये एक्चुअल में यूरोप में चलते थे, वहीं से इंस्पायर होकर उनके द्वारा यहाँ पर क्या खुदाई खिदमतगार मूवमेंट शुरू किया था। फिर यहाँ पर सरोजिनी नायडू भी लीड करती हैं। मणिपुर में आप नागालैंड में रानी गेडोनिल इसको लीड करती हैं। तो ये सारे के सारे जो मूवमेंट थे ये जगह जगह पर चल रहे हैं। अब ये इतने मैसिवली चलते हैं कि जहां पर भी कांग्रेस के लीडर्स थे, जहां पर भी महात्मा गांधी के लीडर के अनुयायी जो थे वो इस तरह के मूवमेंट को लीड करते थे, उन सबको क्या किया जाता है, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। एक तरफ इन सबको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, उसी तरफ क्या यहां पर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत हो रही है। दोनों चेन ऑफ इवेंट्स ऑलमोस्ट साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ गिरफ्तारियां चल रही हैं लोगों की, दूसरी तरफ क्या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वहां पे उसकी शुरुआत हो रही है। तो नवंबर 1930 से लेकर ये जनवरी 1931 तक चलती है। यहाँ पर आगा खां जो थर्ड थे वो यहाँ पे शामिल होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना शामिल होते हैं, भीमराव अम्बेडकर शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो बेगम जहाना थी वो थी, और राधाबाई सुब्रमण्यम यहाँ पर क्या करती हैं, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। पर कांग्रेस से यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी से मिलने के लिए आते हैं इरविन। इरविन बोलते हैं यार देखो अगर आपको अपनी बातें रखनी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस आंदोलन को, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को बीच में रोक दीजिए, और आप लोग क्या कीजिए गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कीजिए, वहां पे आप अपनी डिमांड्स को रखिए, आपकी जो भी डिमांड्स होंगी हम देखेंगे, वहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। इन बातों को बोलने के बाद फाइनली गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है, जहां पे जितने भी जो लीडर्स थे जो जेल में डाले गए थे उन सबको आजाद करने की बात की जाती है। गांधी और कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है वो इस आंदोलन को बंद करेंगे, बंद करने के साथ साथ वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये था गांधी इरविन समझौता जिसमें फाइनली यहाँ पे गांधी जी के द्वारा और इरविन के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर क्या की जाती है, लीड की जाती है। तो आपको यह चीज यहाँ पे समझ में आ गई। पर यहाँ पर कई बार डिस्प्यूट आता है, कई लोग बोलते हैं कि यार महात्मा गांधी चाहते तो यहाँ पर भगत सिंह और उनके साथी जो थे उनको भी छुड़वा सकते थे। अब ये एक वैचारिक मतभेद है कि छुड़वा सकते थे या नहीं छुड़वा सकते थे, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाएगी। परंतु यहाँ पे हमको पता है कि हाँ जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको यहाँ पर क्या छोड़ दिया गया था, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरीज थे क्योंकि उनका वैचारिक मतभेद थे तो उनके लिए यहाँ पर डिमांड नहीं रखी गई थी। फाइनली यहाँ पे गांधी एग्री करते हैं सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को क्या रोकने के लिए और सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी बीच यहाँ पर होता है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लीड किया जाता है, जहाँ पे पहली बार यहाँ पर क्या रेजोल्यूशन लाया जाता है फंडामेंटल राइट्स के लिए और इंडियन इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए। किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडियन इकोनॉमिक प्रोग्राम। अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ये क्वेश्चन पहले एक बार कई आया हुआ है, और फंडामेंटल राइट को लेकर भी कई बार पूछा गया कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में इसके बारे में बात की है। फाइनली इस यहाँ पर वापस से पूर्ण स्वराज की बात को दोहराया जाता है और ये रखा जाता है कि हम लोग जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है उसको एक्सेप्ट करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग को अपनी आगे रखेंगे, और कांग्रेस जो होगी वो सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी, जिसे लीड एक्चुअल में कौन करेंगे, महात्मा गांधी करेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 7 सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1 तक। और इस कॉन्फ्रेंस में जो गांधी जी थे, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है इसको हटा दीजिए, जो गांधी जी थे वो यहाँ पे कांग्रेस को लीड करते हैं, मदन मोहन मालवीय और ए रंगास्वामी यहाँ पर पहुंचते हैं, ठीक है। इवन मदन मोहन मालवीय जो थे वो तो खुद अपने पैसों से यहाँ पर गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और मुस्लिम लीग की तरफ से अगर बात की जाए तो आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, जो दबा हुआ वर्ग था या सप्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लासेस जो थे उनको लीड करने के लिए यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर थे, रत्नामलई शिव नारायण थे एंड सरदार संपूर्ण सिंह थे। सरोजिनी नायडू यहाँ पर लीड करती हैं वुमेन्स को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में।
लॉर्ड विलिंगटन इस समय पर भारत के वाइस रॉय थे, उस समय आपको फर्स्ट के टाइम पर पता है लॉर्ड इरविन थे, वहां पे मैंने बताया नहीं, पर यहाँ पर कौन विलिंगटन है। फाइनली इस टाइम पर कम्युनल अवार्ड आता है। कम्युनल अवार्ड क्या है, यहाँ पर एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पर भारतीय मुसलमानों को और जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन सबको अलग अलग क्या सेपरेट इलेक्ट्रॉल देने की बात होती है, और साथ ही साथ जो पिछड़ा हुआ वर्ग था उसको भी अलग से सीटें देने की बात की जाती है। फाइनली गांधी जी इसका विरोध करते हैं कि आप कहीं ना कहीं वापस से वही फूट डालो, शासन करो, आपकी नीति को फॉलो कर रहे हो। इस विरोध के चलते यहां पर ये जो एक तरह से बोला जाए ये जो अधिवेशन था ये विफल हो जाता है। जो डिमांड्स होती है उनको प्रॉपरली यहां पर एक तरह से बोला जाए कि फुलफिल नहीं की कर पाते। कांग्रेस की जो डिमांड्स थी उनको यहां पर अंग्रेजों के द्वारा फुलफिल नहीं किया जाता, जिसके बाद गांधी जी वापस आते हैं और वापस आकर वो अपना सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को क्या कर देंगे, यहां पे कंटिन्यू करेंगे। पर वापस आने के बाद यहां पे गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में भी मतभेद हो जाते हैं। भीमराव अंबेडकर कहीं ना कहीं चाहते थे कि गांधी जी के द्वारा जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको अलग से क्या आरक्षण की डिमांड को एक्सेप्ट किया जाए, उन सबको कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। फाइनली गांधी जी यहाँ पे अनशन करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे होता है पूना पैक्ट 1932 में। पूना पैक्ट क्योंकि पूना में हुआ था तो वहां पे भीमराव अंबेडकर और गांधी जी मिलते हैं। मदन मोहन मालवीय इसके मुख्य, इस पैक्ट के पीछे मुख्य जो पर्सन थे वो एक्चुअल में मदन मोहन मालवीय थे, उन्हीं के प्रयासों से ये एक्चुअल में सफल हो पाया था पैक्ट। इस पैक्ट में फाइनली ये डिसाइड किया जाता है जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको क्या अलग से विधानसभाओं में सीटें दी जाएंगी, अराउंड 147 सीटें, और विधानमंडलों में करीबन 18% तक की सीटें देने का क्या यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन से अधिवेशन के कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड को यहाँ पे लाया गया था। ये आपके सामने यहाँ पर आपको चेन ऑफ इवेंट्स का एक इमेज आपको सामने दिख रही है। फाइनली इसी के साथ गांधी जी भी यहाँ पे क्या करते हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए काफी सारे काम करने शुरू करते हैं। आप लोगों ने जो सुना होगा हरिजन संघ जो बनाया गया था उनके द्वारा, अनटचेबिलिटी के लिए उन्होंने जो काम शुरू किया था, उन्होंने हरिजन नाम से जो एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया था, वो सबका सब काम यहाँ पे शुरू किया गया था। और यहाँ पर जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका कहना था कि आप किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए हरिजन जैसे शब्द का भी इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तो इसको लेकर भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, जिसमें भीमराव अम्बेडकर गांधी जी के अगेंस्ट से कि आप हरिजन शब्द का भी इस्तेमाल क्यों कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एक क्लास को, किसी एक वर्ग को डिसाइड करने के लिए। तो गांधी जी ने ये चीज बोली कि आप ही लोग हैं जो हरि के नजदीक हैं, ठीक है, बहुजन तो कभी हरि का जन हो ही नहीं सकता, इस तरीके से उन्होंने बोला। कहीं ना कहीं हमको गांधी जी के विचार दिख रहे हैं कि वो किस तरीके से दबे हुए वर्ग को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने प्रयासों को सार्थक करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बातों से कहीं ना कहीं हमको ये चीज नजर भी आती है। खैर, अब इसके बाद होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। इस कॉन्फ्रेंस में ना तो गांधी पार्टिसिपेट करते हैं ना कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर सबसे कम सदस्यों ने भाग लिया, केवल 46 डेलीगेट्स थे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ केवल और केवल तेज बहादुर सुप्रा और भीमराव अंबेडकर दो ऐसे लोग थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अलावा कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमको देखने को मिला हो। बहुत सारे थे पर ये दो महत्वपूर्ण लोग थे जिनके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमारी आज की क्लास थी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास शुरू होगी वो हमारी शुरू होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना हो सके आपको इस वीडियो को प्यार देना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना हो प्लीज कमेंट करके आप लोग वो टॉपिक बताइए जिन टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, ताकि हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आएं आपके लिए, यहाँ पे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करें, आपके एग्जाम को आपके लिए आसान बना सके। एंड प्लीज वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका प्यार हम तक पहुंचता रहे। आप लोगों का ये प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फिलहाल अभी मुझे दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।